संस्कृति में त्योहारों को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसा ही एक त्यौहार हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में गंगोर मनाया जाता है। परंतु पहले ये त्यौहार सभी के लिए था, पर आज कहीं ये सामाजिक व जातिगत भेदभाव में बढ़ गया है। वह देवड़ा गांव से पूरी तरह खत्म हो चुका है, वह कई जातियों में बढ़ चुका है। ओजी मारा श्याम कुवरीरा श्याम, ओजी मारा लाड़े कुवरीरा। गणगौर की सवारी हमारे यहाँ राजराणाओं के समय से निकलती थी। राजराणाओं के समय से औरतें पीछे गणगौर को अपने सिर पे लेके नाचती गाती हुई सवारी हमारे भाईवा की बावड़ी भाईसा की बावड़ी के वहाँ यहाँ गणगौर घाट बना हुआ था, वहाँ के गणगौर घाट पे सवारी को मतलब रोकी जाती थी। फिर वहाँ घूमर होती थी, ढोल और ये वहाँ क्या इनके साथ में वहाँ कम से कम घंटा दो घंटा तक वो घूमर को सिर पे लेकर और सवारी के गीत गाती हुई वो मतलब घूमर की डांस करती थी। जहाँ एक तरफ राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में गंगोर धूमधाम से रैली व आयोजनों के साथ मेले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गांवों में लोगों में गंगोर महोत्सव को लेकर भावना ही खत्म हो चुकी है। वर्तमान में गंगोर देलोड़ा गांव में केवल एक जातिगत एवं एक प्रतिभा तक ही सीमित रह चुकी है। आज गंगोर अलग अलग समाज के हिसाब से मनाई जाती है। ऐसा हुआ एक मोहल्ले मोहल्ले की गंगोर है, जैसे कुमारों की, जैसे लोहारों की और क्या क्या है जाति जातियों की गणगौर अलग जो अपने मंदिर के बाहर रख देते हैं। सरकार ने भी इस विषय के अंदर कोई प्रयास नहीं किया। ये मेवाड़ का मुख्य त्यौहार है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। देलोड़ा गांव में से कई त्यौहार है जो कि आज पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि शहरों के बजाय गांव में गंगोर मेला का आयोजन करना चाहिए, जिससे गांव में ऐसी परंपराओं को पुनः जीवित किया जा सके और सभी साथ मिलकर इसे मनाएं। मैं शमूलाल खटीक देलोड़ा से इंडिया अनहट के लिए।